कोरोना महामारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान नई कूटनीतिक रणनीति अपनाने पर उतर आया है। नई कूटनीतिक रणनीति के तहत पाकिस्तान दुनिया भर के देशों में तोहफे में आम की अलग अलग किस्में भेज रहा है। हालांकि खुद उसके परम मित्र देश चीन और अमेरिका को पाकिस्तान की ये मैंगो डिप्लोमेसी रास नहीं आई है और पाकिस्तान की ओर से तोहफे में भेजे गए आम वापस लौटा दिए। फ्रांस में निकाय चुनाव में हिजाब पहनकर महिला उम्मीदवार जैसे ही सड़कों पर वोट मांगने उतरी, लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विवाद बढ़ता देख फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनुअल मैक्रों ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया। दरअसल राष्ट्रपति एम्यूनुअल मैक्रों की पार्टी ने कुछ महिलाओं को चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जैसे ही महिलाएं हिजाब पहनकर सड़कों पर प्रचार के लिए उतरी, उनका विरोध शुरू हो गया। हज 2021 पे जाने का ख्वाब देख रहे लोगों को मायूसी हाथ लगी है। कोरोना महामारी के मद्देनजर सऊदी सरकार ने दूसरी बार विदेशी लोगों के लिए हज यात्रा को रद्द कर दिया। सऊदी के स्थानीय 60,000 लोग हज कर सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली और नियमों के मुताबिक अन्य शर्तों को भी पूरा करते हैं। ऐसे में भारत समेत अन्य देशों में हज यात्रा की तैयारियों पर विराम लग गया है। महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है। राहुल गांधी ने पूछा, भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा, झूठ और फालतू नारे लगाने वाला गुप्त मंत्रालय। क्लब हाउस चैट पर विवादों में घिरे दिग्विजय सिंह के आर्टिकल 370 वाले बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने क्लब हाउस चैट में दिग्विजय सिंह की जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने से संबंधित टिप्पणी को लेकर उन्हें परोक्ष रूप से नसीहत दी और कहा कि जम्मू कश्मीर पर पार्टी का रुख जानने के लिए तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस कार्य समिति की ओर से अगस्त 2019 में पारित प्रस्ताव को देखें। कई महीनों से चल रहे लॉकडाउन के बाद अब दिल्ली की अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत कई एहतियातों के साथ दिल्ली को फिर से पटरी पर लाने के प्रयास चल रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली को अनलॉक किए जाने को लेकर कई बातें बताईं। दिल्ली में कल से सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल खोलेंगे। 50% क्षमता से बसें चलेंगी। राजस्थान के अनेक इलाकों में तेज गर्मी के दौर के बीच मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश व तेज अंधड़ का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज और कल राज्य के उत्तरी भागों, भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं आंधी के साथ बारिश की संभावना है। राजस्थान का बीकानेर देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जो घर घर जाकर कोविड के खिलाफ जंग शुरू करेगा। 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन ड्राइव सोमवार से शुरू होगी। लोगों के घरों तक टीके पहुंचाने के लिए 2 एम्बुलेंस और 3 मोबाइल टीमें स्टैंडबाय पर हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद ट्रेनों में यात्रियों की वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है, जिसके बाद अब रेलवे ने यात्री भार को देखते हुए ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। हालांकि अभी विशेष रेलगाड़ियों के तौर पर ही ट्रेनों को चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष रेलगाड़ियों के इक्के दुक्के फेरों को ही अनुमति दी गई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे हमेशा से ही यात्रियों को विभिन्न प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में अग्रणी रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं में और अधिक बढ़ोतरी की गई। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर वाईफाई, कोच गाइडेंस बोर्ड, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, LED आधारित NTS टर्मिनल, GPS डिजिटल क्लॉक, वीडियो सर्विलेंस सिस्टम इत्यादि उपलब्ध है।